चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित अस्पताल में मेडिकल स्टोर से पर्स चोरी करने वाले आरोपी को अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया है। दरअसल सेक्टर 56 निवासी सुनील के हाथ में चोट लगने के कारण वो सेक्टर 16 अस्पताल में भर्ती था। 11 अगस्त को सुनील अपनी पत्नी के साथ कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए अस्पताल में डिपार्टमेंटल स्टोर पर गया था। स्टोर से सामान लेने के दौरान उसकी पत्नी ने अपना पर्स दुकान के काउंटर पर रख दिया। कुछ देर बाद देखा तो पर्स वहां से गायब था। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी अस्पताल सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को दी। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए तो उसमें एक व्यक्ति पर्स चोरी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने आरोपी पर नजर रखने के लिए एक टीम बनाई। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सीसीटीवी फुटेज शेयर की, जिसके बाद आरोपी 15 अगस्त को फिर से वही कपड़े पहन के अस्पताल आ गया। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। आरोपी की पहचान रोपड़ के गांव सैनी माजरा निवासी कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।